ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ शायरी का, लेकिन मैं 7-8 वर्षों से लिख रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं कुछ अच्छा सुना कर जाऊँ यहाँ से। तो मैं शुरुआत करूँगा कुछ 2 लाइनों की शायरियों से कि वो शरीफ तो नहीं बस शराफत दिखाते हैं, वो शरीफ तो नहीं बस शराफत दिखाते हैं, वो ऐसे हैं नहीं कि जैसे वो नजर आते हैं। वो शरीफ तो नहीं बस शराफत दिखाते हैं, वो ऐसे हैं नहीं कि जैसे वो नजर आते हैं। मैं एक और शायरी 2 लाइन की सुनाना चाहूँगा कि मेरी कलम की स्याही है तेरी याद का आना, मेरी कलम की स्याही है तेरी याद का आना, भूलता भी कैसे कि कुछ लिखता जरूर हूँ। जी धन्यवाद, आपको अच्छा लगा। और एक 4 लाइनों का मिश्रा है कि खुद में रहूं या इश्क का बीमार हो जाऊं। जब आदमी इश्क का बीमार होता तो इधर उधर टहलने लगता परेशान, कि खुद में रहूं या इश्क का बीमार हो जाऊं, इंसान बनूं या मजहबी दीवार हो जाऊं। खुद में रहूं या इश्क का बीमार हो जाऊं, इंसान बनूं या मजहबी दीवार हो जाऊं, और ये दुनिया जो चल रही है एक दूसरे को देखकर सोचता हूं मैं भी कभी अखबार हो जाऊं। दुनिया जो चल रही है एक दूसरे को देखकर सोचता हूं मैं भी कभी अखबार हो जाऊं। और मैं थोड़ा सा सर बोल रहे हैं कि आप भी कुछ प्रेम पर देखिए, तो मैं वैसे एक्सपीरियंस पर लिखता हूं, मैं जनरली लाइनें नहीं बनाता, जो मन में आता है वही। तो एक बार हम बिजनौर में गए थे किसी शादी में, तो वहाँ एक मोहतरमा थोड़ा अच्छा लगी तो उन्हीं पर हमने तो हमने कुछ लाइनों की खूबसूरती पे यूं लिखा है कि तुम्हारे जाम में किसी और की शराब लगती, कि तुम्हारे जाम में किसी और की शराब लगती है, पुराने शहर में फिर नई बारात लगती है, कि तुम्हारे जाम में किसी और की शराब लगती है, पुराने शहर में फिर नई बारात लगती है, और वो बन संवर कर मुझसे मिलने चले आए, बाकी रह गई थी कोई मुलाकात लगती है। वो बन संवर कर मुझसे मिलने चले आए, बाकी रह गई थी कोई मुलाकात लगती है। और मैं चाहता हूँ कि ये लाइन आप बहुत गौर करें, बहुत अच्छी लाइन मैंने अपनी लाइफ में अगर कभी लिखी हो, कि हर छोटी छोटी बातों में तेरे जिक्र का आना, हर छोटी छोटी बातों में तेरे जिक्र का आना, ये प्यार नहीं ये प्यार की शुरुआत लगती है। कि और जो वैसे तो मैं बहुत कुछ लिख कर लाया था और यहाँ पर संभव नहीं है, लेकिन मैं एक समाज पर एक बहुत अच्छी जो चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ, मैं टीचर हूँ तो कुछ सिखा ही दूँ, हालांकि आपकी एज का हूँ, और कि नए शहर में बूढ़ी इमारत अच्छी नहीं लगती, नए शहर में बूढ़ी इमारत अच्छी नहीं लगती, बिना हकीम इश्क की तिजारत अच्छी नहीं, कि नए शहर में बूढ़ी इमारत अच्छी नहीं लगती, बिना हकीम इश्क की तिजारत अच्छी नहीं लगती, अब शहरों में बस जाते हैं गांवों से आए लोग, उन्हें बूढ़ों की कोई विरासत अब अच्छी नहीं लगती, शहरों में बस जाते हैं गांवों से आए लोग, उन्हें बूढ़ों की कोई विरासत अब अच्छी नहीं लगती। और कई फतवे जारी हैं, लाइनों पे गौर करेंगे कि कई फतवे जारी हैं काफिर पर जालसाजी के, कई फतवे जारी हैं काफिर पर जालसाजी के, पर जो घर में बच्चे भूखे हों इबादत अच्छी नहीं, कई फतवे जारी हैं काफिर पर जालसाजी के, जो बच्चे घर में भूखे हों इबादत अच्छी नहीं लगती। और इंसान ने कुछ यूं बढ़ा दी पैसों की कीमत, मुझे गरीबी पर कोई सियासत अच्छी नहीं लगती। और इट इज़, ये बहुत अप्रिसिएट की गई मेरे दोस्तों के द्वारा, तो मैंने 1-2 लाइनें इसमें और जोड़ी हैं कि ईमान बेचकर जब से उसने दौलत कमाई है,
ईमान बेच कर जब से उसने दौलत कमाई है, मुझे खुद की कोई शराफत अब अच्छी नहीं लगी। ईमान बेच कर जब से उसने दौलत कमाई है, मुझे खुद की कोई शराफत अब अच्छी नहीं लगती। और चला है सिलसिला कैसा ये बेअदबी से जीने का, उसे बूढ़ों की कोई हिदायत अब अच्छी नहीं। और कुछ ये मैं सुना देता हूँ कि अभी जो कुछ लेटेस्ट लिखी है मैंने एक बस उसकी, कि बंदिशों में जाएगी कोशिशों में जाएगी, जाहिर है बाकी जिंदगी ख्वाहिशों में जाएगी। कि बंदिशों में जाएगी कोशिशों में जाएगी, जाहिर है बाकी जिंदगी ख्वाहिशों में जाएगी। फिर से आंखों में दिख रही थोड़ी धूप की चाहत, लगता है ये सुबह भी बारिशों में जाएगी।